आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार गरमाने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। टनकपुर में सीएम धामी के समर्थन में भव्य रोड शो किया। रोड शो करने के बाद सीएम योगी सहित तमाम भाजपा नेता जनसभा स्थल पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि चंपावत की जनता के पास इस बार एक बड़ा अवसर है। इस क्षेत्र के विकास के लिए यहां की जनता को सीएम धामी को अपना समर्थन देना होगा। बता दें कि चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है। चंपावत वासियों का सौभाग्य है कि चंपावत उत्तराखंड को नेतृत्व देने के लिए ये सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ ही पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से अपील करूंगा कि पुष्कर सिंह धामी जी को 31 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की पीला सबसे। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने वीर सावरकर की पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान वीर सावरकर को सीएम योगी ने नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार ने सावरकर के मूल्य को नहीं समझा। सीएम योगी ने कहा कि सावरकर ने काला पानी की भी सजा काटी और उनकी दिव्य दृष्टि से देश में सभी का मार्गदर्शन हो रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, आप भी सुनिए। लेकिन वीर सावरकर की जब मैं चर्चा करता हूँ, यह देश वीर सावरकर को जानता है, तो 20वीं सदी का एक ऐसा महानायक, दुनिया में उनके समकक्ष कोई उस सदी में नहीं पैदा हुआ था। उनसे बड़ा क्रांतिकारी, उनसे बड़ा लेखक, उनसे बड़ा कवि, उनसे बड़ा दार्शनिक, यानी सभी प्रकार के उन गुणों से ओतप्रोत, जिसे आप एक असामान्य स्थिति कह सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण नहीं हो सकते। एक ही जन्म में दो दो आजीवन कारावास की सजा, सेल्युलर जेल में वे स्वयं बंद हैं, उनका भाई भी बंद है, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें पता नहीं लगा कि मेरा भाई भी यहां बंद है। लेखनी कैसे। गाजियाबाद के डासना में AIMIM के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ अली अपनी राजनीति चमकाने के लिए ई रिक्शा से पार्टी के लिए मार्केटिंग करवाते हुए ई रिक्शा चलवा रहे हैं। वहीं ई रिक्शा चालक की उम्र सिर्फ 12 साल है। चालक का कहना है कि हाजी आरिफ ने रिक्शा चलाने के लिए उसे दिया है और शाम को 100 रुपए हाजी आरिफ को देते हैं और इसी के साथ जिन महिलाओं के पास बने हुए हैं उनको हम फ्री सवारी देते हैं और जिनके पास पास नहीं है उनसे 5 से 10 रुपए सवारी लेते हैं। फिलहाल पुलिस ने प्रदेश सचिव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जैसा कि आपने अभी मुझे बताया और वीडियो क्लिप भी दिखाई कि छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, आपके द्वारा जैसे ही प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया, मैंने तुरंत अभी पुलिस फोर्स को बुला लिया है और अपने श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को मौके पर भेज रहा हूँ और वहाँ पर बाल श्रमिक का चिन्हांकन करने के उपरांत जो दोषी है, जिन्होंने इन बाल श्रमिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। रिक्शा देख सकते हैं आप किस तरह से AIMIM का प्रचार किया जा रहा है। 12 साल के बच्चे से ई रिक्शा चलवाया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी की गई है। बच्चे ने पूरी जानकारी दी है कि उसको ये ई रिक्शा चलाने के लिए दिया गया है। हालांकि रोजगार इससे मिल रहा है बच्चे को, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उम्र को देखा जाए तो उसके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जहाँ उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और बच्चे के हाथ में ई रिक्शा थमा दिया गया है, जहाँ एक बड़े दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए AIMIM के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ
ने ये ई रिक्शा दिया है, जहां वो अपना प्रचार प्रसार करवा रहे इस ई रिक्शा के माध्यम से, और उससे 100 रुपए भी प्रतिदिन का लेते हैं। ये मामला संज्ञान में आने के बाद AIMIM के प्रदेश सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करने के मामले में मामला दर्ज किया गया है। गाजियाबाद से ये मामला सामने आया है। गाजियाबाद के डासना में AIMIM के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ अली अपनी राजनीति चमकाने के लिए ई रिक्शे से पार्टी के लिए मार्केटिंग करवाते हुए ई रिक्शा चलवा रहे हैं। ई रिक्शा चालक की उम्र सिर्फ 12 साल बताई जा रही है। इस खबर में हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, पूरी जानकारी चाहेंगे, बच्चे ने क्या कुछ बताया इस ई रिक्शा के बारे में? देखिए, आपको बता दूं, ये गाजियाबाद के डासना का मामला है, जहां पर एक ई रिक्शा जिस तरह से संचालन किया गया है, वहां पर बच्चों से काम कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं बाल मजदूरी कराई जा रही है। छोटे बच्चे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं विजुअल के अंदर में, वो छोटे बच्चे हैं, ई रिक्शे का प्रयोग करके अपने किसी तरह से अपना घर का गुजारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उन बच्चों से ये ई रिक्शा चलाया है, जहां पर महिलाओं के लिए खासतौर पर यहाँ पर कुछ छूट दी गई थी इन रिक्शों के जरिए कि महिलाओं को फ्री सेवा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चों के द्वारा इस रिक्शों को चलाया जा रहा है। जी, बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे की पढ़ने की उम्र है और उसके हाथ में ई रिक्शा थमा दिया गया है। किताबें भी थमाई जा सकती थी, कोई हादसा भी हो सकता है बच्चे के हाथ में ई रिक्शा देने से, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी का जिस तरह से वो फोटो लगा हुआ है, साथ ही उस रिक्शे के जरिए कहीं ना कहीं एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसा इनको इस तरह से खासतौर पर देखना चाहिए था, एक छोटा बाल मजदूर बच्चा है जिसको आप किताब भी दे सकते थे, उसको पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी भेज सकते थे, तो कहीं ना कहीं उससे बाल मजदूरी कराई जा रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को, शासन को इस पर नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह से जो मामले सामने आया है, ये बहुत बड़ी बात है। गाजियाबाद की खासतौर पर बच्चे द्वारा जिस तरह से ई रिक्शे का प्रयोग करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे अनट्रेन होते हैं, वो ट्रेन नहीं है, चला नहीं सकते किसी तरह से ई रिक्शा, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा हादसे को दावा देने वाली बात भी है। जी प्रवीण, इस मामले में क्या कुछ शिकायत की गई है अधिकारियों से, अधिकारियों ने क्या एक्शन लेते हुए किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? देखिए, आपको बता दूं तो अभी जो पीसी हुई थी, पीसी के दौरान हमने बात भी की थी आला अधिकारियों से, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे मामले का संज्ञान ले लिया गया है और जितना भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पे जो रिक्शे, जिस तरह से राजनीति चमकाने के लिए जो रिक्शे का प्रयोग किया गया है, उन रिक्शों को भी कहीं ना कहीं हटाया जाएगा और उनको बंद किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़े थे गाजियाबाद से। मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर एक गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि पैसों की चाहत में डॉक्टर मृत बच्चे का इलाज करता रहा और रकम वसूलता रहा, और जब हम लोगों ने बच्चे को देखने की इच्छा जताई तो उसके बाद डॉक्टर ने इस खेल से पर्दा उठाया। और परिजन का कहना है कि मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस मामले की जानकारी भी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब भी इधर को आकर के 5 बजे से बच्चा दम निकल चुका है सर, अभी डॉक्टर ये कह रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, यहाँ पर बुलाया गया था, तो मैं बच्चों को रेफर कर दूंगा, मरे हुए बच्चों को फिर रेफर करना वो कह रहे हैं। मैं 5 बजे से पहले से ये कह रहा हूँ कि स्कूल ये डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं इसकी माँ के पास ले जाता हूँ, अभी तक छुट्टी नहीं दी थी। इस खबर पे हमारे साथ मुरादाबाद से संवाददाता शाहरुख जुड़ चुके हैं। शाहरुख, परिजनों का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, आपको बता दूं, ये मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मामला है, और इसमें परिवार वालों का ये कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें, पूरा मामला, परिजनों का कहना है कि वे ना बच्चे को परिवार वालों से मिलने नहीं दे रहे थे, काफी जब उन्होंने हंगामा किया तो उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची, जब बच्चों को देखा तो वे उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों का कहना है कि बच्चे की मौत कई दिन पहले हो गई थी और डॉक्टर बच्चों से मिलने नहीं दे रहा था और लगातार पैसे की मांग कर रहा था, 10,000 रुपए पहले ही जमा कर लिए थे, उसके बाद भी 50,000 रुपए और मांगे जा रहे थे। पुलिस, शाहरुख, कौन से हॉस्पिटल का मामला है और डॉक्टर का क्या नाम बताया जा रहा है, क्या कोई जानकारी? देखिए, मुरादाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल है, गिली नाम से हॉस्पिटल है, और वहां पर आरोप ही लगाया है
डॉक्टर के ऊपर कि इनकी लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। हालांकि वहां पर जब इसकी सूचना पत्रकारों को लगी तो पत्रकार भी कवरेज करने के नहीं पहुंचे, तो डॉक्टर पत्रकारों को देखकर बौखला गया और मीडिया से भी बदसलूकी कर दी, जिसके बाद दो पत्रकारों ने डॉक्टर के खिलाफ भी टेरी देकर कार्रवाई की मांग की है, मगर पुलिस ने अभी पत्रकारों की टेरी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस अगर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होता है तो किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करती, लापरवाही दिखाती है। जी, पीड़ित की शिकायत पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? इस मामले में हमारी मुरादाबाद सीएमओ से बात हुई थी, उनका कहना है कि मामले की जांच चल रही है। वही क्षेत्र अधिकारी आशुतोष तिवारी जी से भी बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है इस मामले की जांच की जा रही है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात है कब तक इनके खिलाफ कार्रवाई करती है पुलिस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ मुरादाबाद से संवाददाता शाहरुख जुड़े थे। औरैया के अरवा कटरा थाना क्षेत्र में थाना दिवस के मौके पर कई शिकायतें मिली, कुल 16 शिकायतें मिली हैं, जिसमें से 7 शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं अरवा कटरा थाना क्षेत्र के लेखपाल और कानून गो थाना परिसर में मौजूद रहे। देवरिया में एक बार फिर से सदर एसडीएम सौरभ सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने के तहत कार्रवाई की गई, साथ ही साथ कुछ दुकानदारों का चालान भी किया गया और हिदायत देकर आगे ऐसा ना होने की चेतावनी दी गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान से व्यापारियों में रोष देखने को मिला। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हरदोई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और चेकिंग के दौरान 15,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कोतवाली जहाज पुलिस स्वाट व एसओजी द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विवेक दो थाना सांडी क्षेत्र का रहने वाला है और उस पर थाना सांडी क्षेत्र में गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह मोटरसाइकिल वह हरियाणा से चोरी किया है, जहां पर अभियोग भी पंजीकृत है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है। पुलिस ने लुटेरे गैंग के सरगना को फायरिंग के बाद गिरफ्तार किया। हिरासत में शातिर ने अपने जुर्म को कबूल किया और पता चला कि कई जिले में अपराधी के ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज है। साथ ही तमंचा और कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर की संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। कोतवाली का वांछित है बलराम बल्ला सुनव रामचरण, ये हरचरणपुर का है और ये इटावा और औरैया से भी वांछित है। इसके पास से एक तमंचा 315 वो एक मोटरसाइकिल मिली है। कोतवाली का टॉप 10 है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के मद्देनजर जिले में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। खासकर नगर पालिका और नगर पंचायत इलाके में बड़े पैमाने पर एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में कोतवाली के इर्द गिर्द और सब्जी मंडी में अवैध कब्जों को जेसीबी से हटाया गया है। मुगलसराय कोतवाली में ही सारे लोगों के साथ एक बैठक किए थे, क्योंकि मुगलसराय में इन क्षेत्र में सब्जी मंडी के आसपास की कुछ दूरी पर जाम की बहुत ज़्यादा समस्या है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने पहले सबको सूचित करते हुए सारे लोगों को विश्वास में लेते हुए आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया है, और जिसमें संयुक्त रूप से हमारे सीओ साहब मुगलसराय थे, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब, जेई नगर पालिका के ईओ एंड पूरी टीम थी, इंस्पेक्टर मुगलसराय और इसके अतिरिक्त और थानों की फोर्स बुलाई गई थी। किसी तरह से कोई किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रतिरोध नहीं किया गया। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन
क्षेत्र में 1997 में चर्चित तुफैल हत्याकांड में पैरवी कर रहे भाई चमन ने अब खुद की हत्या की आशंका जताई है। वहीं खुद की हत्या की आशंका जताते हुए चमन एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की मांग उठाई है। जबकि हत्याकांड के करीब 25 साल बाद पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी मुजाहिद खान गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद तुफैल हत्याकांड में पैरवी कर रहे उसके भाई चमन ने खुद की हत्या की आशंका जताई। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मामले की मैंने दवाई भी दे दी है, मेरे भाई ने भी दवाई दे दी है, मुझे जान संभालने की धमकी देती हूँ। अपने लिए मैं सुरक्षा चाहता हूँ और ये बहुत बड़े आतंकी उग्रवादी है, बहुत लोगों की कत्ल की उन्होंने और मेरी भी हत्या करना चाहते हैं। आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विवाहिता में उसके विवाहिता और उसके प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी गई है। दरअसल विवाहिता से मिलने आए प्रेमी को ससुराल वालों ने पकड़ लिया और दोनों को गली में दौड़ाकर डंडों से पीटा और फिर दोनों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। विवाहिता की मां की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। उसमें जो मुकदमा लिखाया गया है, जो पीड़िता जो लेडी जिसकी हत्या हुई थी उसकी मां के द्वारा लिखाया गया है और दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें 6 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, पूरे परिवार के लोग हैं उसमें, मेल और फीमेल मिला के, जिसमें से 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी 2 की तलाश की जा रही है। बदायूं नगर पंचायत अलापुर मेन मार्केट में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेते हुए दोबारा अतिक्रमण करने वाले कई लोगों के चालान काटे, जिससे व्यापारियों में रोष देखने को मिला। वहीं इस कार्यवाही के दौरान मौके पर एसडीएम एडीएम ऋतु पुनिया और अधिशासी अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के संबंध में ये आदेश है कि सारे जो मेन रोड पर जो अतिक्रमण हो गया है उनको हटाना है। मार्केट में जो अतिक्रमण किए हुए हैं दुकान भाई, उनका जो दुकानें जो नाले के पास या नाली को घेर रखा है उस सबको हटाना है और टीन सेट जो है उसको भी हटाना है ऊपर। सर अन्य बाकी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं दोबारा। प्रतापगढ़ की लालगंज कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए असलाह बनाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 तमंचा समेत नकदी भी बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने चोरों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। महोदय अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी महोदय के दिशा निर्देश में चलाए गए अभियान ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत वांछित अपराधी तलाश इनामिया वांछित अपराधियों के परिप्रेक्ष्य में आज रात्रि में असलाह बनाने की फैक्ट्री के संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 4 व्यक्ति जैनपुर रोड पुल के पास में एक खंडहर में अवैध रूप से असलाह बनाकर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इस सूचना पर लालगंज की पुलिस द्वारा छापेमारी की गई तो 4 अभियुक्त सलमान पुत्र मोहम्मद इब्राहिम, सरवर अली पुत्र खालिद, अंसार पुत्र साबिर, अनुराग मौर्य, शशांक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महोदय पुलिस अधीक्षक अमेठी में प्राइम टीवी की खबर का फिर से असर हुआ है। दरअसल जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर एक मरीज से 3,200 रुपए वसूले गए थे, जिसके बाद प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब इसमें एक्शन लिया गया है। साथ ही मरीज से लिए गए पैसों को भी वापस किया गया है। हम लोग सीएमओ कार्यालय का घेराव किए थे और प्राइम टीवी की जो दमदार खबर चली कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की खलबली मच गई कि उन्होंने दूसरे दिन ही इतनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी कि 3210 रुपए अधीक्षक द्वारा वापस किया गया। क्योंकि गरीबों के लिए जिस तरह से सरकारी अस्पताल बनाया गया और सरकारें चल रही हैं, सरकार गरीबों का काम कर रही है, लेकिन इस जनपद अमेठी में स्वास्थ्य विभाग के नाम पर गरीबों का खून चूसा जा रहा है। हम लोग पैसा दिलाए हैं तो वो प्राइम टीवी
की मेहरबानी है कि इनको पैसा वापस मिला और इन ये लोग जिससे कर्जा ली थी उनको ले जा करके देंगी। इसके लिए महान खुशी है। प्राइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम ऐसे ही सहयोग करते रहिए, किसी गरीब को न्याय मिले और किसी का धन गलत तरीके से डॉक्टर के हाथ में ना जाए। 3,210 रुपये हमें डॉक्टर ले रहे हैं और तोहरे सब के सहयोग से हमें 3,320 रुपये। किस बात के लिए पैसा आपसे लिया गया? इलाज के लिए। किस अस्पताल में? जामु अस्पताल। कौन? प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।